हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कोलेस के बारे में बताने जा रही हूँ। कोलेस प्लांट एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, जो देखने में सुंदर लगता है। ये देखिए आप, इसकी कलरफुल पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए देखने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे पास इस टाइम तीन कलर का प्लांट है, तीन कलर है, एक ये कलर है, एक ही डार्क मैरून है और एक ये, तीन प्लांट है मेरे पास। देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसकी कटिंग तोड़िए और या तो पानी में डाल दीजिए गिलास में, यह मिट्टी में लगाई है। आप देखिए मैंने मिट्टी में लगा रखी, मैंने पानी में भी लगाई थी लेकिन वो कटिंग मैंने अब लगा दी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जड़ें बहुत अच्छी रूट चल रही थी, इसकी आराम से चल जाती है। 7-8 दिन में इसकी रूटें आ जाती है, फिर आप आराम से इसको लगा दो, पानी में भी रख सकते हो। देखिए इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े, ये देखिए गर्मियों में भी ऐसा लगता है जैसे एक कोने में रख दो तो ऐसा कितने अच्छे फूल लगे, पत्ते देखने में सुंदर लगते हैं इसके। और फ्रेंड्स, इसको इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए, उनका इसमें थोड़ा सा खाद दे दो और उससे ही इतना अच्छा चल जाता है, बहुत ही अच्छा। इसको ज़्यादा खाद की भी जरूरत नहीं होती है, इसको बस इसको धूप से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको धूप से बचा के रखो, वो बहुत ज़रूरी होता है। मई जून की गर्मी ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है, उस टाइम इसको पार्शियल शेड में रखना चाहिए, हमें इसको छाया में रखना चाहिए। और फरवरी मार्च के बाद में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्लूम करता है ये। इसमें फ्रेंड्स, इसमें बीज से इसकी भी कुछ फलियां से आती भी, और इसको डबल करने के लिए इसकी एक ग्रोथ ऐसे इसकी ये तोड़ दिया करो, ये किफ तोड़ दिया करो आप, इधर से फिर दो टहनियाँ निकलेंगी और ये अपना प्लांट बुशी होता चला जाएगा इससे। ये देखिए छोटा सा एक टहनी लाई थी मैं इसकी बिल्कुल, और ये देखो कितना अच्छा प्लांट हो गया है। देखिए देखने में ही अच्छा लगता है, ये देखो बहुत प्यारा। इसको काट के इसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं, इसको कोई किसी चीज़ की बीमारी भी नहीं लगती इसमें। बस इसको इसकी मिट्टी एक नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं चाहिए इसको, बस हल्की इसमें नमी बनी रहे तो इसके पत्ते एकदम चमकदार अच्छे रहते हैं। इसके पत्ते एकदम चमकदार रहे इसके। मैंने देखिए छोटा सा पेड़, ये देखिए छोटे से इसमें लगा रखा है और कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। छोटे से गिलास में कितना क्यूट पेड़ है, कितना क्यूट बहुत ही सुंदर। इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसको बस नमी वाली मिट्टी की जरूरत होती है। और इसकी टहनी बिल्कुल सॉफ्ट होती है एकदम, इसमें लकड़ी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपका पेड़ बिल्कुल मुरझाया हुआ लगे गर्मियों में, अप्रैल महीने जून में मुरझाया लगे, जैसे ही आपको मुरझाया लगने लगे आप उसकी टहनियाँ तोड़िए और पानी में डाल दीजिए या मिट्टी में लगा दीजिए। उस टहनी तोड़ेंगे तो उससे आपका पेड़ मदर प्लांट तो मर जाएगा लेकिन उसकी टहनियाँ आपकी लग जाएंगी, इससे आपका पेड़ बच जाएगा। मुरझाने से ये बिल्कुल फिर खराब हो जाता है गर्म, फिर रुकता नहीं है बिल्कुल भी। एक बार इसकी जड़ें गलने लगी फिर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप इसकी टहनी तोड़िए मुरझाए पेड़ लगे और तुरंत लगा दीजिए, इससे आपका दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा। और
दूसरी बात, इसको अगर इसके पत्ते पीले दिखे आपको, जैसे देखिए ये पीले पत्ते देखिए, इनके हटा दीजिए, हटा दोगे तो पेड़ सुंदर लगता है। देखिए इसमें फली सी आती है, उनको भी आप तोड़ के हटा सकते हैं। मैं आपको मेरे प्लांट्स और भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बाहर और लग रहे हैं मेरे प्लांट्स, ये देखिए, ये देखिए कितने सुंदर प्लांट्स, ये देखिए, ये मैंने घड़े में लगा रखा है, देखिए आप घड़े में लगाने से भी कितना अच्छा चल रहा है। ये देखिए इसके पत्ते, देखिए ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते, ये देखिए ये देखिए ये लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए मैं आपको बता रही थी, अगर बीच देखती हूँ आपको देखे तो बीज वगैरह, हाँ ये देखिए इस तरह की इसमें ये बीज आता है। इसको आपको जो भी दिखे आपको तोड़ देना है, नहीं तो आपका प्लांट मर जाएगा। इसको आपको तोड़ देना है, ये देखिए ये छोटी छोटी कटिंग मैंने, ये देखिए कटिंग लगा रखी, छोटी छोटी कटिंग लगा रखी, ये देखिए जहाँ दिखती है टूट जाती है, मैं वैसे ही लगा देती हूँ। ये देखिए देखने फ्रेंड्स, आप भी ऐसे लगाते रहिए और अपने घर को सुंदर बनाते रहिए। एक प्लांट लाइए, इसे अनेकों प्लांट बनाइए आप, इससे एक प्लांट से अनेक प्लांट बनाइए, देखने बहुत ही सुंदर, ये देखिए देखने में बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आप भी लाइए और सुखनगर बगीचे में जरूर शामिल कीजिए, आपके गार्डन में शामिल कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।